आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास हो रहा है राज्य में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो है विरोधी पार्टियां हमें से यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हिंदू मुस्लिम और जातिवाद और धर्म की राजनीति करते हैं, तो आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस बार प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को फिर से वापस लाएंगे और ये जातिवाद खुद खत्म करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी पे पूरा भरोसा और विश्वास है। ये जो लोग बोलते हैं सब फालतू बात है, गलत अफवाह है। विष्णुदेव साय कैसे जो है मुख्यमंत्री हैं आपके, क्या सबका साथ सबका विकास के तहत जो है काम कर रहे हैं? सबका साथ है सबका विकास है। विष्णुदेव साय जी ने बहुत सारी अभी सुविधा लाई है और उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। जनता बहुत उत्साहित है इस बार के चुनाव को लेकर के। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो हमारे यहाँ सांसद जी ने किया है, उनका आभार प्रकट करने के लिए एक जनसभा में उत्साह है कि जाकर के वोट दें और उनका आभार चुकता करें। ये विष्णुदेव जी की सरकार ने 3 महीने में अपना ट्रेलर दिखा दिया है। 3 महीने में 3 बड़ी घोषणाएं उन्होंने कर दी। महतारी बंधन का घोषणा कर दिया, 17 लाख जो मकान रुके हुए थे उन्हें घोषित कर दिया। ऐसे इन्होंने 3 महीने में अपने एक जो ट्रेलर दिखाया, इससे जनता में बहुत उम्मीद है और इसका भी हमें फायदा मिलने वाला है। जो अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, जनता देख ली है डबल इंजन की सरकार का क्या असर होता है और उसको लेकर के लाभ उठाना जनता चाह रही है, और बहुत अच्छी मात्रा में वोटिंग होगी और बढ़ चढ़कर वोटिंग होगी। 400 पार मोदी जी का हर मन से कहना है कि हम 400 पार आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है पूरा देश का विपक्ष जो है मोदी जी को बाहर करना चाहता है, और कांग्रेस पार्टी ने जिसने सबसे ज़्यादा सरकार दी है उनके नेता सब जो है बड़े से बड़े नेता, और आपका जो है राहुल गांधी से जो है प्रियंका गांधी तक सब कह रहे हैं कि मोदी जी को बाहर करना है। जिस प्रकार इंडिया गठबंधन की जो इन लोगों ने निर्णय लिया था, विपक्ष की पार्टी ने, और आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी टूट चुकी है और मोदी जी को पूर्ण बहुमत से पुनः फिर से जिताने के लिए किस प्रकार से कार्यकर्ता और पूरे देशवासी और एक एक बूथ के कार्यकर्ता किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं, आप सभी को पता तो चल ही गया होगा। उस प्रकार से 400 पार हमारा जो नारा है, हमारा जो लक्ष्य है और मोदी जी का जो लक्ष्य है देश को विकास की प्रगति की ओर ले जाने के लिए, उसमें हम बिल्कुल सफल होंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम कहीं भी जाते हैं, जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि हम मोदी जी का फेस देकर के वोट करते हैं, स्थानीय स्तर पे जो है कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि जो है कोई काम नहीं करता, ना ही अधिकारी कोई काम करता, ये शिकायत लोगों की ज़्यादातर रहती है, उसमें क्या कहेंगे आप? वो अन्य सरकारों में ऐसा होता रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें होती हैं केंद्र और राज्य में, उस पर सरकारें जनता के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं पर और उस पर केंद्रित करके ध्यान गांव, गरीब, किसान और युवा, महिला, इस पर केंद्रित करके योजनाएं बनाती है, उसके क्रियान्वयन के लिए दिन रात कार्य करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार सतत और साय साय कार्य हो रहे हैं, और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का अपने एक उदाहरण है, सरकार होने का। और मुख्यमंत्री कितना काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, बेशक ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये अपने आप में एक हर्ष और उल्लास का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, और गर्व का विषय भी है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी और उनका मंत्रिमंडल सरकार सत्ता में आते साथ ही जिस प्रकार से योजनाओं पर क्रियान्वित कर रहे हैं कार्यों को, और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में नहीं मिलता था, जो भारतीय जनता पार्टी तथा नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई थी, वो कांग्रेस की शासन कहीं ना कहीं आम जनता को उन लाभों से वंचित रखती थी, वो विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के पश्चात निश्चित रूप से अब उनको जनता को उसका लाभ मिल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जनता ने तो अपना मूड बना लिया है, इस बार 400 पार है, फिर एक बार मोदी की सरकार है। जनता एक सुशासन की सरकार चाहती है। 10 साल मोदी जी के देखे हैं, इसके पहले कांग्रेस का भी राज देखा है, भ्रष्टाचार का राज देखा है लोगों ने, अभी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन किया है, और ये मोदी जी को पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं, और दुर्ग का सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे विजय बघेल जी हमारे। विष्णुदेव साय की कितना अपेक्षा है लोगों को, क्योंकि सबका उम्मीद है कि विष्णुदेव साय जो है एक कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और कम जो है प्रचार प्रसार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, और लोगों की अपेक्षा है कि बहुत अच्छा काम होगा, तो क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की यही परंपरा रही है कि हम काम ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं, बाकी कोई तरह नहीं कि झूठे वादे करें और समय आने पर फिर पलट कर चले जाएं। हमारी भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम करती रही है और आगे भी काम करेगी, और आप रिपोर्ट देख रहे हो, एक बार कांग्रेस को मौका मिला
उसमें भी इतने झूठे झूठे वादा किए कि आज क्या हुआ नतीजा, झूठ का भी कुछ समय तक जरूर रहेगा झूठ का, लेकिन असर लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहता। और भारतीय जनता पार्टी 15 साल भी राज की, उसके बाद अभी भी भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। विष्णुदेव साय पे कितने उम्मीदें हैं आपको जो आपके मुख्यमंत्री हैं? विष्णुदेव साय एक ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे बीच में जो शुरुआती दौर में मोदी जी की गारंटी को अपने बीच में लाके और महिलाओं का उत्साहित भरा 1000 रुपया मातारी वंदन योजना लागू किया और बहुत सारी लागू हो रही है, ठीक है। और हमारे विष्णुदेव साय आने वाले चुनाव लोकसभा जीतने के बाद 11 के 11 सीटों में उसके बाद जो भी घोषणाएं होगी उसको आगे और प्रक्रिया के तौर पे जनता के बीच में आएगी। महतारी बंधन योजना में जो है आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ, जरूरतमंदों को जरूरतमंद जो है महिलाओं को कितना लाभ दे पाई आप लोग? महतारी बंधन से हर बंदा खुश है, हर महिलाओं को उसका फायदा मिल रहा है। और इस बार 1 तारीख को तीसरा इंस्टॉलमेंट सबके पास आ चुका है 1000 रुपए। मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे आदिवासी है, कितना उम्मीदें हैं आपको जो अपने मुख्यमंत्री पिछले साल से? सर उम्मीदें तो रहती हैं कि अच्छा ही करेंगे, और भाजपा में है तो देखते हैं फिर कितना अच्छा होता है, तो सब अच्छा ही होगा हमारा तो यही मानना है। बंधन योजना के अंतर्गत कितना जो है लाभ मिल रहा है, क्योंकि शिकायतें ये होती है कि जो जरूरतमंद होते हैं उन तक लाभ नहीं पहुंचता है, कोई भी सरकार आती है तो ग्राउंड पे नहीं देखते हैं, केवल चुनावों तक सीमित रहता है। नहीं नहीं ये गलत बात है, आज हमारे विष्णुदेव सहाय जी और हमारे विधायक रिके सेन द्वारा आज गाँव तक गांव की हर एक महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिल रहा है, सारी महिलाओं को मिल रहा है। वो कौन सी जाति की है, कौन से धर्म की है, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ वो महिला है। इस बात पे हमारे मोदी जी ने बहुत विश्वास जताया है और उनका विश्वास है तो इस बार हमारा 400 पार है। और मुख्यमंत्री कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी? उनसे उम्मीदें तो बहुत सारी हैं सर, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने महतारी बंधन शुरू कर दिया, दूसरा है हमारे क्षेत्र में हर विकास का काम जो रुका हुआ था वो भी आज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों की अपने जो है नए मुख्यमंत्री पे और कितना जो है काम करेंगे, क्या उम्मीदें लेके चलेंगे वो, और क्या किस तरह से आपके छत्तीसगढ़ का विकास होगा? हमारे जो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के हैं और वो सभी का अच्छे से विकास के बारे में जानते हैं। आज जो है 1000 रुपये हर महिलाओं को मिल रहा है, ये उन्हीं की देन है। मुख्यमंत्री पिछले साल अच्छा काम, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रस्ट है, पूरा सब तरफ से चारों तरफ गर्व महसूस हो रहा है बिल्कुल कि हम उनके नीचे हम काम कर रहे हैं, ये भी इत्तेफाक सहयोग की बात। आप काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, कितना काम होगा विष्णुदेव साय, कितना काम कर रहे हैं? जी सर बहुत अच्छा काम कर रही है और हम पूरा महिलाएं पूरे साथ है, बीजेपी के साथ है। हमारे रिकेश भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उधर भाई लोग महतारी बंधन योजना में 1000 रुपए मिला 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 सबको मिला है। महतारी बंधन योजना के अंतर्गत जो है सबको लाभ मिला, बिल्कुल बहुत लाभ मिला और बहुत खुशी हो रही है हमको कि हमको मोदी जी आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। कितना काम करेंगे, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ को काफी विकास की जरूरत है और ये पहले मुख्यमंत्री जो ग्राम अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी तो समय बाकी है, देखते हैं और क्या क्या तब पता चलेगा। महतारी बंधन योजना आपके मिला, बिल्कुल सभी महिलाओं को मिला, बिल्कुल सभी सफलता मिल रही है और लगे हुए भी है कि यानी सफलता मिलती रहे। अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मंत्री पे पढ़ रहे। हाँ जी हाँ जी, मुख्यमंत्री कितना काम कर रहे हैं, विष्णुदेव साय कितना काम कर रहे हैं, उधर जो है हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए, कितना काम हो रहा है? हाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जितने रुके हुए काम थे चाहे निगर के हो चाहे और भी लोगों की मदद के हो, सब काम हो रहे हैं और यही कारण है कि हम लोग आर्मी रिटायर्ड हैं, अपने अपने ड्यूटी छोड़ करके, और ये पूरी आर्मी रैली है, सभी आर्मी के बंदे साथ देने के लिए हम लोग आए हैं। कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस जो है छत्तीसगढ़ का विकास होना है, बताते हैं पहली बार जमीन से जुड़े हुए जो है मुख्यमंत्री मिले हैं, आदिवासी मिले हैं, कितना गर्व महसूस होता है? हाँ बहुत गर्व की बात है और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा ऐसे गर्व का एहसास कराते रहती है हम लोगों को, चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और भी बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ से लोकसभा के सांसद हुए विधायक हुए जो माटी से जुड़े हुए लोग ही बने हुए हैं, यही कारण है कि हम लोग
राजनीति में इस पार्टी का साथ देने के लिए आए हैं। पिछली सरकार ने काफी जो है विसंगतियां हुई है, लोग जो है उसकी जांच चाहते हैं, तो चाहे वो जो है शराब घोटाला हो बंद नहीं हुआ, और क्या अभी जो है ये शराब मुक्त हो सकता है, क्योंकि नई जो है युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवाओं के भविष्य से जुड़ी जितनी समस्याएं सब दूर होंगी, और यही सरकार करेगी, जो आज तक दबे हुए थे, जितने घोटाले हुए हैं, धीरे धीरे परत दर परत खुलता जाएगा, इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे हैं हम लोग। महादेव जो है सट्टा ऐप बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें भी जो है कई लोगों के, हजारों युवाओं के लाखों रुपये जो है गबन हो चुके हैं, जाँच होगी? जरूर जांच होगी सर, क्यों नहीं जांच होगी? जिन्होंने महादेव को नहीं छोड़ा वो किसको छोड़ेंगे, आप बताइए। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और अब की बार 400 पार, जय जय श्री राम। जी जो है आपके जो है मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई जी, तो कितना काम होगा, क्या इसमें निष्पक्ष जांच होगी? कई घोटाले हैं, चाहे वो जो गोठान का घोटाला है, चाहे शराब का घोटाला, चाहे खनन का घोटाला है, विष्णुदेव साई पे जो है काफी बड़ा जो है कार्यभार है इस पर। सर काम बहुत होंगे, जो हमारे विष्णुदेव साई जी सर है वो निष्पक्ष जांच करेंगे। पहले की सरकार में आप लोगों ने देखा है, जो भी केस होते थे सब दबा दिए जाते थे, आज भी ऐसा कोल स्पैम का मामला है जो आज भी दबा हुआ है, लेकिन जब ये सरकार आएगी तो आप देखिएगा सारी निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी होगा सब क्लियर होगा देन एंड देयर। नए मुख्यमंत्री आपको मिले हुए विष्णुदेव साय, और प्रधानमंत्री जो है सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो कितना काम हुआ डबल इंजन की सरकार? काम तो चल रहा है, काम हो रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं पुल्स, बन रहे हैं अंडरब्रिज, बन रहे हैं, प्रगति हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल के नाम से भी बहुत कुछ तरक्की हुई है, आत्मानंद स्कूल हो गए हैं, उनके बढ़ाई हो रही है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, आना जाना सुगम हो गया है, शौचालय हैं हर जगह पे बने हुए हैं, सुविधाएं लोगों के लिए बहुत सारी की गई हैं, इसको हम आगे भी निरंतर करना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को हम लाना चाहते हैं। अच्छा, विष्णुदेव साय का सुशासन कैसे चल रहा है, वो वहाँ पे कितना काम हो रहा है शासन में? ये एक सर्कल चेंज है, जो भाजपा ग्रुप है ये एक नेताओं का नहीं है, सभी का सामूहिक विकास के रूप में चलता है, तो वो भी साय सर भी हमारे लिए पूरा काम कर रहे हैं, मोदी जी के अनुसार से वो चल रहा है, एक टीम के अनुसार बहुत अच्छी काम चल रही है, ये प्रगति में जाते जा रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है, आशा है, और हम तो मान चुके हैं कि 400 हमारे पास सीटें आ चुकी हैं, हम सिर्फ एक परंपरा जो होती है उसको निर्वाहन करने के लिए वोट कर रहे हैं, हम जीत चुके हैं। बात है कि आपके क्षेत्र, आपके जो है मुख्यमंत्री जो है आदिवासी क्षेत्र से हैं, और कितना गर्व आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़, तो कितना विकास होगा, क्योंकि वो भौगोलिक रूप से जो है इसके वो काफ़ी जानकार है। सर इसमें हमारे पास दो उपलब्धियां बहुत मेन हैं, एक इसमें हो गया हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी भी, वो भी हमारे यहाँ की हैं, साय सर भी हमारे यहाँ के हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के हैं, उन चीज़ों से हमारे पास दो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे पास पहले से हैं, जो हमारे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। आपके मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, कितना सुशासन उनका चल रहा है, और हर मन से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग सुशासन की बात बोलते हैं, सुशासन कुछ नहीं जानते, सनातन विरोधियों को सबक सिखाना है बस, एक ही पॉइंट, बाकी सब चीज़ छोड़ो। जो सनातन को नष्ट करने वाला है, सनातन को नष्ट करने वाले को ही नष्ट करना है, बाकी मुद्दा बाद में। संहार करेंगे ऐसे जो है सनातन विरोधियों का जो है संहार, इसीलिए तो विष्णु जो है स्वयं विष्णुदेव साय आपके मुख्यमंत्री हैं। वो सनातन धर्म को जो नष्ट करने वाला है उसका हम विरोध कर रहे हैं, और सनातन धर्म नष्ट करने वालों को हम नष्ट करेंगे, सभी मुद्दे इसमें शामिल हो गए। सनातन धर्म मजबूत होगा मतलब सब मजबूत होगा। मुख्यमंत्री भाई कितना भरोसा है आपको, मुख्यमंत्री जो है आदिवासी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जमीन से जुड़े हैं बताते हैं कि कम जो है प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है? हमें पूर्ण विश्वास है हमारे विष्णुदेव साहब पर, क्योंकि सबसे पुराना कार्यकर्ता है, दो बार अपना प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, दो बार सांसद रहा है, चार बार विधायक रहा है, इसलिए हम उस पर पूर्ण निष्ठा 100% निष्ठा है, सब काम को पूरा करेगा वो। सर्वांगीण विकास होगा छत्तीसगढ़, विकास करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा, और सनातन धर्म मजबूती के लिए वो अपने प्राण निछावर कर देगा। इसी क्षेत्रों में जो है लोगों के जो जीवन स्तर बहुत ज्यादा जरूरत है डेवलपमेंट की, बहुत ज्यादा उनके जो है जीवन स्तर को सुधारने की है, तो उसको एक मानवता के आधार पर जो है काम होगा ग्राउंड पे, उसके लिए केंद्र से शासन बनेगा नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सली समाप्त होगा फिर वो सब ठीक हो जाएंगे सभी। क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल अलीम। कैसे लग रहा है, आप जो काफी उत्साहित हैं, कितना काम हो रहा है छत्तीसगढ़ की जो सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है यहाँ पर? जी
सबका साथ सबका विकास की जरूरत है, सबके साथ सबका विकास हो रहा है ना। विष्णुदेव साय अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ जी, भेदभाव तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, आपने देखा होगा एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है विपक्षी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी वाले केवल जो है जातिवाद की राजनीति और धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं मानते इस बात? नहीं, इस बात को हम नहीं मानते। ये लोग जो है किस जो है एंगल से देखते हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं, उनको कहीं विकास नजर नहीं आता, उनको हमेशा यही नजर आता है कि हिंदू मुस्लिम जाति ऊंच नीच की बातें वो करते रहे। अपने को उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। काम हो रहा है, काम हो रहा है। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते सबका साथ सबका जी, जी जी डबल इंजन की सरकार है। विष्णुदेव साय क्या उनके जो है जो केंद्र की जो है योजनाएं हैं उनको जो है लगातार जो है बराबर इम्प्लीमेंट? जी जी, विश्वास है उन पर? अच्छा, विश्वास है, विश्वास। आदिवासी क्षेत्र से हैं, आपको गर्व है? जी। मोदी जी ने युवाओं को बर्बादी कर दिया। ये हर मंच जो है नया जो है जो युवा जो नेता है जो राहुल गांधी वो हर मंच से यही बात कर, उनका नेचर और उनकी काम वो जानते हैं और हम मोदी की काम जानते हैं। हमको मोदी पसंद है भाई, हम मोदी के सामने यहाँ के खड़े हैं, बस हम मोदी को जानते हैं। उनका काम और उनका विकास उनको सब जानते हैं, उनसे आप कोई उनके पीछे कोई खड़े नहीं रहते। विष्णुदेव साय पे कितना भरोसा आप लोगों को? विश्वास तो बहुत है हमको। हाँ, विश्वास बहुत है। करेंगे सबसे बड़ी पे ही बहुत काम दिख गया हमको। दिख गए। वे आदिवासी जो है मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी क्षेत्र से भी हैं, और क्या वहाँ पे विकास कर पाएंगे? अब काम तो सब कोई कर ही रहे हैं, अब विकास भी देखा जाएगा आगे। हमारे क्षेत्र में तो विकास दिखा ही है। गारंटी पे विश्वास है आपको? हाँ, मोदी जी जो राम को लाए हैं वो हमेशा रहेंगे। जय श्री राम। साहिब पे कितना विश्वास है आपको आपके मुख्यमंत्री? एकदम एकदम, हाँ 100%। ये कहा जा रहा है विपक्ष यही कह रहा है कि युवाओं को जो है कोई रोज विपक्ष हमेशा बीजेपी को गिराने की ही उल्टी सीधी नाकाम कोशिश करता रहा है, जो कि ये जनता जानती है कि कौन सही है कौन गलत है। जो विष्णुदेव साय हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र से हैं वे मुख्यमंत्री बने हैं, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़, और इसको विकास की जरूरत है। तो कितना काम कर पाएंगे जो विष्णुदेव साय जी? अभी तो उनको कुछ महीना ही हुआ है आए हुए, अभी थोड़ा सा और समय है। अभी तक जितना काम किया है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही किया है, युवाओं के लिए भी अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। जी जी, लेकर किसानों के जो है समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य सब मिल रहा है? जी जी, सब सुविधा मिल रहा है। कहते हैं कि वो कम जो है प्रचार प्रसार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, काम भी जो है साई साई जैसे उनका नाम है वैसे। अभी 6 महीना मतलब 6 महीना हुआ होगा मुश्किल से, 5 साल है अभी, तो देखिए इसमें कितना विकास होगा। पहले थी कांग्रेस, अब जनता ने देख लिया उनका काम काज, तभी चेंज कराया है कि गया है और बीजेपी को लाया गया छत्तीसगढ़ में।